हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एयर जर्नी ड्यूरिंग कोविड-19। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि इस टाइम पे जब हम ट्रैवलिंग तो करेंगे हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होती है। मैं जो जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दिल्ली टू विशाखापट्टनम की बाय एयर जर्नी। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। जैसा कि पहले चेक किया जाता था कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए, बट हमारे फ़ोन को चेक नहीं किया गया था, लेकिन हमारे फ़ोन में ऑलरेडी वो ऐप पहले से डाउनलोड किया हुआ था। तो हम अभी आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। और दूसरा डाउट जो होता है कि हम कहाँ से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स देनी होती है या नहीं। अब ऐसी कोई डिटेल्स नहीं देनी होती है क्योंकि हम ऑलरेडी देहरादून से दिल्ली ट्रैवल करके आए थे, बट हमसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी गई थी। डायरेक्ट हमको अपना बोर्डिंग पास, एयर टिकट और ये सब दिखा के एंट्री करनी थी। अंदर एंट्री कराने से पहले आपके बैग्स को प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाता है, और आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, आपका एयर टिकट, बोर्डिंग पास और एक आईडी प्रूफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर और मेरे हस्बैंड गए हैं लगेज को चेक इन कराने। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ से हमको बोर्ड इन करना है। तो अभी यहाँ पर आपका जो केबिन साइज़ बैग होता है और जो आपका हैंडबैग वगैरह है वो चेक होगा। यहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है और बाकी सारी चीज़ें चेक करा के आपको वहाँ पर वेट करना है जहाँ से आपको बोर्ड इन करना है। तो फाइनली हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बैठने के लिए। पूरे एयरपोर्ट पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप देख रहे होंगे, जिसमें येलो कलर का स्टिकर लगा है, वो बीच वाली मिडल वाली सीट को ब्लैंक छोड़ना है और आसपास आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप देख रहे होंगे, डिस्टेंस में बैठे हैं लोग मिडिल वाली सीट को छोड़कर। बोर्ड इन करने से पहले आपको एक पीपीई किट प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि आपको एक मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र और एक पीपीई सूट दिया जाता है। तो अभी आ चुके हैं हम इंडिगो एयरलाइन की बस में जो आपको आपकी फ़्लाइट तक लेकर जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे जो पीपीई सूट है जो वाइट रंग का मिलता है वो सबने तो नहीं पहना हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो सिर्फ मिडिल वाली जो सीट है उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को पहनना होता है जिनकी सीट मिडिल वाली होती है। तो अभी बस से उतरकर हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। कितना स्मॉल लग रहा है, सीटी कितनी स्मॉल लग रही है और कितनी स्मॉल लग रही है। अभी तो हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और जो ये व्यू है आप देख रहे हैं वो 7 बजे के बाद का है, और अब थोड़ी ही देर में ही हम लैंड करने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we have arrived in Vishakhapatnam. You are free to use your mobile phones now. Please remain seated until the airport. तो फाइनली अब हम आ चुके हैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे।
वैसे तो हम अपने घर के लिए कैब से जाने वाले थे, बट हम लोगों को लेने के लिए जो नेवी की बस है वो आई हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में हैं, क्योंकि हमें अभी नेवी के एरिया में जाना है, वहाँ पर हमारी स्क्रीनिंग होगी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमको पूरी करनी थी आफ्टर ट्रैवलिंग। तो हम जा रहे हैं अब उस बस में, तो थोड़ी देर में आपको नेवी की बस दिखाई देगी, हम उसी में बैठेंगे और उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद यही बस हमको हमारे घर तक ड्रॉप करेगी, तो अब हमें कैब करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।